दिया गया है। ईरान ने 1 अप्रैल को सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के लिए इसराइल को ही जिम्मेदार ठहराया था। इसराइली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी के मुताबिक हमले में 200 से ज्यादा किलर ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। हमले पर अमेरिका, ब्रिटेन और भारत समेत दुनिया भर के अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने नेतन्याहू की एक तस्वीर जारी कर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की बात कही है। हमलों के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मीटिंग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ईरान के खतरों के खिलाफ हम इसराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम उसके लिए मजबूती के साथ खड़े हैं। साथ ही बाइडेन ने कहा है कि वो हमले के खिलाफ G7 के नेताओं को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। इस घटनाक्रम पर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पश्चिमी एशिया की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल और ईरान के बीच तनाव की वजह से इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को खतरा है और हम इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं। हम हिंसा से पीछे हटने और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने की वकालत करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हमले की निंदा की है और इसराइल के साथ खड़े होने की बात कही है। अपने बयान में उन्होंने कहा, मैं इसराइल के खिलाफ ईरानी शासन के हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इन हमलों से इलाके में अस्थिरता और तनाव बढ़ने का खतरा है। सुनक ने कहा कि ब्रिटेन, इसराइल, जॉर्डन और इराक समेत सभी क्षेत्रीय भागीदारों की सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा। मामले पर सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय ने इलाके में सैन्य गतिविधियों के तेज होने पर चिंता व्यक्त की है और युद्ध के खतरे को टालने के लिए दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं फ्रांस ने इसराइल पर ईरानी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। एक्स पर पोस्ट करते हुए विदेश मंत्री स्टीफन सेजॉर्ड ने लिखा, इस तरह की कार्रवाई का फैसला करके ईरान अपने अस्थिरता की दिशा में एक नया कदम उठा रहा है और सैन्य वृद्धि का जोखिम ले रहा है। फ्रांस ने इसराइल की सुरक्षा के प्रति एकजुटता का आश्वासन दिया है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया है कि इसराइल ने अमेरिका की मदद से ईरान की ओर से दागे गए सभी मिसाइल और ड्रोन मार गिराए हैं। वहीं ब्रिटेन ने कहा कि उसकी रॉयल एयरफोर्स जरूरत के मुताबिक ड्रोनों को रोकेगी। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले के बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाई की आशंकाओं को देखते हुए भारत, अमेरिका और कई अन्य यूरोपीय देशों ने एक दिन पहले ही अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी। भारत ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो अगली सूचना जारी होने तक ईरान या इसराइल की यात्रा न करें। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इस क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वो अगली सूचना तक ईरान या इसराइल की यात्रा पर